ये दिव्यांग लोग जो है उनको स्टॉल देने की बात थी, बट अभी तक इन्होंने दिया नहीं है। काफ़ी साल से, 2008 से शायद मुझे लग रहा है, तभी से लेके अभी तक 12 साल हो गया। 12 साल में अभी तक इन्होंने दिव्यांगों को स्टॉल नहीं दिया है, इसीलिए ये भूख हड़ताल करना पड़ा इनको, अजीत रावत साहब को। जिसके कारण ऐसा है कि जो ये बंदा है, आप देख सकते हो, ये जो बंदा है दोनों हाथ से दिव्यांग है। ये बंदे ने जो कोपर खेरना में जो स्टॉल लगाया था, वो स्टॉल इनका उठा लिया गया। जबकि इनके ही थोड़े आगे आप जाओगे तो एक नगर सेवक का स्टॉल है, जबकि वो नहीं उठा सका क्योंकि वो नगर सेवक है। तो ऐसे जो दिव्यांग है उनके स्टॉल उठा रहे हैं, और जो दिव्यांग नहीं है उनके स्टॉल लगे हुए, जबकि वो नगर सेवक को दिन का 1000 रुपया भाड़ा मिलने आ रहा है, मुझे ऐसा सुनने में आया। तो मेरा ये बोलना है कि ये क्या हो रहा है, मतलब महाराष्ट्र गवर्नमेंट से भी, मेरा उद्योग सरकार से भी यही विनंती है कि आप दिव्यांगों की तरफ ध्यान दीजिए, क्योंकि जो कोरोना समस्या के टाइम पे जो इन लोगों की हालत हुई है, आप देख सकते हो, आज इनके पास रोजगार नहीं है करके उनको ऐसा डिसीजन लेना पड़ रहा है। तो मेरा बोलना ये है कि इनको जल्द से जल्द स्टॉल दिया जाए, यही मेरा आयुक्त से गुजारिश है। आन सिंह रावत है, मैं मानव विकास संस्था के दिव्यांग सेल का प्रेसिडेंट हूँ, और उसी के साथ साथ मैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स का भी प्रेसिडेंट हूँ, और उसी के साथ मैं प्रहार की जो रेलवे संगठन है उसका भी राज्य का प्रेसिडेंट हूँ। ये सारे पद होने के बावजूद आज मैं यहाँ पे एक वैयक्तिक बोला अपना पर्सनल आंदोलन इसलिए कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो रोजगार के मामले में मैं भी 2008 से वेट कर रहा हूँ कि कब मेरा रोजगार आएगा, कब मेरा रोजगार आएगा। मैं समाज सेवा कर रहा हूँ, लेकिन समाज सेवा के साथ साथ जो रोजी रोटी चलाने के लिए, घर चलाने के लिए जो रोजगार मिलना चाहिए नई मुंबई महानगर पालिका की तरफ से, वो यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए मजबूरी में आके हमें ये आंदोलन उपोषण का लेना पड़ा, क्योंकि अगर हमारे पास रोजगार नहीं है, घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, तो इसके अलावा कोई रास्ता आपके पास बचता ही नहीं है, ये आपकी मजबूरी हो जाती है। विकलांग